अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से भी हम लोग अच्छे हैं। और फ्रेंड, आज एक और मीठी खट्टी तीखी आम का अचार की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो अभी फ़िलहाल देखिए, यहाँ पे धूप पर सुखा रहे हैं आम को, और ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा पका हुआ आम ली हूँ, क्योंकि मीठा अचार अगर करना हो ना तो आप पका आम लोगे तो बेहतर होता है। ज़्यादा कच्चा आम लोगे तो उसमें ज़्यादा चीनी डालोगे और ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो देख ही सकते हो यहाँ पे आम ज़्यादा पका नहीं, बस हल्का सा पका हो ना उसको बनाना है। अभी चूल्हा भी जल चुका है, अभी चूल्हा पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, और कढ़ाई को चढ़ाने के बाद ना यहाँ पर मैं 5 फोड़न लूँगी, और 5 फोड़न पे यहाँ पे देखिए मैं सौंफ, काला राई और काला जीरा कलौंजी, और यहाँ पे अजवाइन और मेथी है यहाँ पे, इसको ना भून लूँगी। और भूनने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे 5 फोड़न को इसको अच्छे से भून लूँगी, और भूनने के बाद इसको प्लेट पे निकाल लूँगी। प्लेट पर निकालने के बाद ना इसका पाउडर बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पे भाभी आम का अचार बना, अब इसका पाउडर बनाएंगे। बनाना है ना ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, इसको दरदरा रखना है, क्योंकि जितना मुंह पर लगेगा उतना बेहतर होता है। तो ज़्यादा बारीक पाउडर की ज़रूरत नहीं, दरदरा रखना है। तो हमारा यहाँ पे पाउडर भी तैयार है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, अगेन मैं चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और यहाँ पे ना 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, और मैंने आम ना 3 किलो ली हूँ। 3 किलो आम में मैं यहाँ पे 100 ग्राम सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, और सरसों का तेल में ना यहाँ पे मैं 5 से 6 सूखे मिर्च और फिर से ही ना गोटा 5 फोड़न को इसमें डाल दी हूँ। और सरसों का तेल बेहतर होता है फ्रेंड, इससे सालों साल तक अच्छे तरीके से हमारा अचार रहता है और ख़राब भी नहीं होता। और जो यहाँ पे देखिए मैंगो जो था धूप पे सुखाए थे ना, उसको यहाँ पर डाल देंगे तेल पर, और तेल पर डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि हल्का सा ना मैंगो जो है ना फ्राई हो जाए और हल्का सा लाल भी हो जाए। और यहाँ पे मैं ना 3 किलो आम में यहाँ पे छोटे चम्मच के 3 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मीठा अचार है, लेकिन नमक अगर नहीं होगा तो मीठा बराबर नहीं लगेगा, थोड़ा सा तो नमक बनता है ना। और यहाँ पर इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो देख ही सकते हो लाल तरीके से अच्छे से फ्राई करना है, और इससे बहुत बेहतरीन खुशबू आता है। तो अभी इसको देखिए फ्राई हो चुका है, तो इसको निकाल लेंगे और कढ़ाई से आम को निकाल लेंगे। आम को निकालने के बाद कुछ ऐसा आपको लुक दिखेगा। अगेन क्या कर रही हूँ, कढ़ाई को चढ़ाने के बाद ना मैं 3 किलो आम ली हूँ, और पका हुआ आम है तो ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो यहाँ पर मैं ना 2 किलो चीनी ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कच्चे आम बना रहे हो ना फ्रेंड, तो आप 3 किलो मैंगो में 3 किलो ही चीनी ऐड करना, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको उबाल लेंगे, जिससे कि चीनी कैरेमलाइज ना हो। तो पानी देके ही इसको ना, जिससे कि पानी और चीनी मिक्स हो जाए, तब तक के इसको मिलाना है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे 5 से 6 इलायची को कूट के डाल रही हूँ, इससे महक बेहतरीन आता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इलायची दीजिएगा। और अभी देखिए इसको मिला लेंगे, और जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाए ना, मतलब चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए ना, तो देख सकते हो इसका थिकनेस भी देखिए पहले से गाढ़ा हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, मैंगो को ऐड कर देंगे। अभी सभी मैंगो को ऐड करने के बाद ना इसको अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि हमारा जो आम जो है सारा चीनी को एब्जर्ब कर ले और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और चीनी और आम जितना आप मिलाओगे ना, मतलब जितना नहीं, पका हुआ आम है तो आप धीरे धीरे मिलाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो हल्के हल्के हाथों में इसको हिलाइएगा, और इसको देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हिला रहे हैं, और जब चीनी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना तभी बंद कर देंगे। तो देखिए चीनी भी अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, आम में भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी क्या करेंगे, हमने जो पाउडर बनाया है ना, मतलब 5 फोड़न का भून के, तो इसमें मिक्स कर देंगे। और हमारा अचार का देखिए कलर भी कितना बेहतरीन तरीके से आ चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। अभी पाउडर को डालने के बाद अगेन इसको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देख ही सकते हो यहाँ पे
और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को दिखता होगा बहुत आसान लेकिन बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, और आप सबको इस तरीके से बनाकर सजाकर दिखाने में बहुत मेहनत लगता है। हमारी मेहनत में अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो अच्छा होगा। प्लीज़ आप लोग हर वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगता है हमें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आज का यहीं पे वीडियो ख़त्म करूँगी। आज के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।